व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट, पर ये बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं। तो ये बिल्कुल भी आज हम लोग सर्वाइवल नहीं खेलने जाने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे माइनक्राफ्ट के वायरल टिकटॉक हैक्स। इसीलिए मैंने नेम भी अपना रखा है वर्ल्ड का। ये देखो माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्प्लिट कंट्रोल्स को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने हटा दिया। और पहला हमारा माइनक्राफ्ट टिकटॉक्स हैक्स होने वाला है आर्मर ग्लिच। इसका नाम है आर्मर ग्लिच। अब मैंने नाम दिया है, ये ओरिजिनल नाम तो नहीं है, पर हाँ मेरे को अच्छा लगा, मैंने दे दिया आर्मर ग्लिच। तो इस आर्मर ग्लिच को बनाने के लिए हमको लगेगा आर्मर स्टैंड, तो लगेगा ही। आर्मर स्टैंड मैंने ले लिया और इसके लिए लगेगा ग्लास। बेसिकली ये एक वो है, मतलब हैक नहीं है कोई भी, मगर ये एक बहुत अच्छा डेकोरेटिंग की चीज़ है। पिस्टन भी लगेगा हमको और रेडस्टोन ब्लॉक भी हमको लगेगा, तो इसको भी ले लेते हैं। और आप कोई भी एक ब्लॉक ले सकते हो। मैं लूँगा क्वार्ट्ज का ब्लॉक, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और हमको लगेगा श्रूम लाइट, SHR श्रूम लाइट। तो आप कोई भी लाइट ले सकते हो, टॉर्च भी ले सकते हो, पर मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। तो मैंने श्रूम लाइट ले लिया है। अब हमको चाहिए होगा किसी भी, आप आर्मर ले सकते हो, पर मेरे को ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगता है, इसीलिए मैं इसी को लेना सबसे ज़्यादा पसंद करूँगा। तो अभी बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले एक जगह पर आपको चार ब्लॉक्स प्लेस करना पड़ेगा। तो नीचे वालों को आपको शूम राइट लगाना पड़ेगा। फिर ऐसे खड़े होके आपको, अरे रुक जाओ यार, हाँ तो ऐसे खड़े होके आपको कुछ, अरे यार, तो ऐसे खड़े होके आपको कुछ इस तरीके से जो है वो पिस्टन्स रखना पड़ता है। फिर आगे को आपको ग्लास लगना पड़ेगा। और एक और चीज़ लगेगा, वो डेकोरेटिंग का है, वो है ट्रैप डोर। तो आप कोई भी ले सकते हो, पर मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये नहीं लगता, मेरे को सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये लगता है। तो फिर उसका है तो बढ़िया भी लगता है। तो अब हमको इसको प्लेस करना है। तो अभी हमको ये लेना है, आप चाहो तो हेड भी ले सकते हो। तो हाँ, इसको ज़रा कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो आप चाहो तो हेड भी ले सकते हो, पर लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने कुछ इसी वाला लिया है, क्योंकि हेड का अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको आपको पूरा इक्वाइप करना पड़ेगा, आपको इसको पूरा पहनाना पड़ेगा सब कुछ पहले। गलत चीज़ पहना रही इसको। हाँ, तो पहन जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन को लेना है और कुछ इस तरीके से पुश कर देना है। आपको पिस्टन तोड़ देना है और ये वाला तोड़ देना है। अब आपको ट्रैप डोर्स प्लेस करना है कुछ इस तरीके से, और एक और प्लेस करना है, हाँ तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रैप डोर्स यहाँ पे प्लेस करना है। हाँ भाई, तो कुछ इस तरीके से। अब देखो, आप अपने दोस्त को दिखा सकते हो कि अरे भाई मेरे पास अपना नेदर राइट है, तेरे पास क्या है। आप चाहते हो तो इसको स्वर्ड भी दे सकते हो, लेकिन स्वर्ड देना होगा तो स्वर्ड ऐसे निकला हुआ रहेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने स्वर्ड नहीं दिया है। तो ये था नंबर वन। तो हैक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाके बता दो अभी के अभी। और नेक्स्ट वाला जो हैक है ना, वो होने वाला है एक, वो भी एक डेकोरेटिंग हैक ही होने वाला है, मतलब हैक होने वाला है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये इसको मारा क्या अभी, अबे नुबड़े, ओ भाई नुबड़े, माता क्यों, अबे कोमड़ी कहीं का।
हाँ तो जितना भी सामान है उसको मैं अभी यहाँ पे फेंक देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगने नहीं वाला है। सारा का सारा सामान अभी फेंक दो और इसको अभी क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा सेकंड जो होने वाला है वो है फ्लावर अंडर ट्रैपडोर हैक, डेकोरेटिंग हैक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसके लिए हमको लगेगा ट्रैपडोर। अब मैं ये वाला ले रहा हूँ और इसके लिए आपको लगेगा कोई भी एक फ्लावर चलेगा। मैं फ्लावर में देखते अभी जो सा भी बढ़िया लगेगा ले लेंगे। मेरे को पर्सनली फ्लावर्स में तो यही अच्छा लगता है, कॉर्नफ्लावर। तो अभी चलते हैं, इसके इसके बगल में ही बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमको रखना पड़ता है, और ऐसे और फिर ऐसे। तो एक बेसिक सा हैक है और टाना है कंप्लीट। ये एक बेसिक सा वो है, डेकोरेटिंग चीज़ है, ये कोई हैक नहीं है। अब आने वाला है एक बहुत धांसू हैक। तो इस धांसू हैक को करने के लिए वापस हम इसको क्लीन करके सारी सामान लेके आपसे मिलता हूँ, रुकिए। तो गाइस, इस हैक को करने के लिए हमको सबसे पहले लगा कोई हेड, तो मैं एक क्रीपर वाला हेड चूज़ करने वाला हूँ। हमको वापस से आर्मर स्टैंड लेना पड़ेगा। और देखो गाइस, मैंने अभी का अभी ड्रैगन वाला हेड पहन लिया है, कैसा लग रहा कमेंट्स में बता देना। तो हम लोग अभी करने वाले हैं, बता दिया, अभी आर्मर स्टैंड लगेगा हमको, और हमको रेडस्टोन लगेगा, रेडस्टोन डस्ट भी लगेगा, और एक प्रेशर प्लेट लगेगा। तो एक कोई भी प्रेशर प्लेट लेते हैं, एक कंपोस्टर लगेगा, एक स्टिकी पिस्टन लगेगा, और एक कोई भी टेम्पोररी ब्लॉक ले लो वो चलेगा। तो अब हम लोग ना सिंपली इसको करते हैं। तो हमको ज़मीन में जस्ट दो ब्लॉक्स का एक गड्ढा नहीं, 3 ब्लॉक्स का खोदना है और उसके ऊपर ऐसे डालना है, और इसको कुछ इस तरीके से पहना देना है। अब हमको एक कोई भी टेम्पोररी सा ब्लॉक लेना है, कुछ कुछ इस तरीके से, और हमको यहाँ पे ये लगा देना है। अब हमको ये दो जगह खोदना है, और मैं अभी ग्रास ब्लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे ग्रास, क्योंकि रिपेयर करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर ये लगा देते हैं। अब देखते काम करके नहीं करना। ओ हेलो भाई, काम करना चाहिए तेरे को, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा भाई, काम कर जा। ओ गाइस गाइस गाइस, एक दिक्कत आ चुका है, और वो दिक्कत ये है कि अब इसकी जगह मेरे को रखना है स्टिकी पिस्टन, फिर मेरे को ये लगाना है, और फिर मेरे को ये लगाना है। तो अब मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, और यहाँ पे हाँ अभी चल गया गाइस, देखो अभी चल रहा है ना, अब बढ़िया लग रहा है। और भाई रात होने वाला है, तो रात को पहले दिन करते हैं। तो टाइम से डे अब हो गया, अब ये वाला काम कर रहा है अच्छे से। तो अभी हमको चाहिए रेडस्टोन का ब्लॉक पावर सप्लाई देने के लिए। मेरे को तो बेस्ट लगता है ये पावर सप्लाई देने के लिए। तो पहले मेरे को इसको एक्टिवेट ऐसे नहीं करना था, हाँ कुछ इस तरीके से लेना है, और फिर ऐसे करके फिर पहले इसको तोड़ना है। अगर आप पहले ये तोड़ दोगे तो ओ भाई काम तो नहीं कर रहा भाई। हेलो भाई, काम तो करना चाहिए भाई ये, अरे ऐसे मत करो तुम। अरे भाई
काम क्यों नहीं कर रहा मेरे को नहीं पता, काम नहीं करेगा मेरे को तो नहीं लगता कर रहा भी होगा। तो एक बार इसको कुछ ऐसे लगाते हैं, फिर इसको ऐसे लगा के फिर देखते हैं। गाइस 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 एक दिक्कत आ चुका है, तो हमको जो स्टिकी पिस्टन था वो कुछ ऐसे रखना है, ना कि जैसे मैंने पहले दिखाया वैसे। तो कुछ ऐसे ऐसे लगाना है, फिर हमको कुछ इसको इस तरह से लगाना है, और फिर इसको ऐसे, अबे यार हट बे, कुछ इस तरीके से लगाना है। फिर उसको हमको कुछ क्लिपर हेड ऐसे पहनाना है, फिर इसको ढक देना है, क्योंकि बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए दोस्तों को। तो पहले ये लगाओ, फिर ये तोड़ो, फिर इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं और इसे तोड़ते हैं। अब हमको लेना है हे बेल, तो हे बेल लेना है। फिर उसको ये है, काम क्यों कर रहा यार? हेलो, तेरे को काम करना पड़ेगा, एक्चुअली तेरे को काम करना पड़ेगा, मार खाएगा नहीं तो काम नहीं करेगा। तो ऑन गॉड की ये काम कर जाए प्लीज यार, अबे हट। हाँ टीनू उबड़ा है क्या? नहीं नहीं काम नहीं करता, इसको बाद में देखेंगे फिक्स करके होगा। तो अब हमारा करता है एक प्रैंक वाला हैक, तो प्रैंक का सेटअप करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस मैंने वो हैक बना लिया है, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक टेम्पोरेरी सा बनाया है, और वो देखो वो जितना भी कूड़ा कचरा था, तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पोरेरी का 5x7 का एक घर बनाया, मतलब ऐसे ऐसे 5 और ऐसे ऐसे 7 का बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक आयरन का डोर लगाया प्रेशर प्लेट, और उसके नीचे से मैंने रेडस्टोन की कनेक्शन किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने रखा है आइस, और यहाँ पे मैंने रखा है 2 पिस्टन स्टिकी पिस्टन, और यहाँ पे एक आयरन स्टैंड, उसके ऊपर जॉम्बी का हेड, एक आयरन का स्वर्ड, और ये सब बनाया है। अब कोई बंदा नूब बंदा जैसे ही ऐसे घर में आएगा उसे जैसे ही मतलब रात को और बढ़िया लगेगा। तो पहले आपको दिन में दिखा के फिर रात को दिखाते हैं, ठीक है? तो कोई ऐसे ही आएगा घर में, और ऐसे जैसे ही आएगा, और काम करना चाहिए था जो कि नहीं किया, ये तोड़ना पड़ेगा तभी आई थिंक काम करेगा। तो कोई नूबसा बंदा जैसे ही ऐसे घर में आएगा, धक्का देना चाहिए था इसको जोर से। तो गाइस पता नहीं क्या हो गया, अब देखते हैं इसको फिक्स करते हैं। तो गाइस मैंने इसको थोड़ा सा रिपेयर किया है, और बता दूं क्या क्या है। पहले मैं यहाँ पे स्टिकी पिस्टन यूज़ कर रहा था, लेकिन अब मैंने ऐसे ही वाला पिस्टन ले लिया है, और कुछ ऐसे तरीके से रेडस्टोन को लगाया है। अब मानो अभी रात हो रहा है, और अपना नूब बंदा इधर घर आएगा और देखेगा भू, पूरा डर जाने वाला है वो। आई एम श्योर कि वो डरेगा ही डरेगा, एक बार तो डरेगा ही, क्योंकि ऐसे अगर कोई ज़ॉम्बी उसके पास आएगा तो वो डरेगा। ऐसे से पहले देखो, अब रात के अंधेरे में देखो ये कितना मस्त लग रहा है, ऐसे बहुत सही लग रहा है ये। तो अभी टाइम को करते हैं डे, और चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। क्या करूँ मैं, पागल थोड़ी हूँ। हाँ तो हमारा नेक्स्ट हैक है, सबसे बढ़िया हैक,
पर उससे पहले मैं आपको एक बोनस सा हैक देना चाहता हूँ, और ये हैक मैंने खुद ने बनाया है। अब आई होप कि ये काम कर जाए, नहीं किया तो मुझे को कुछ पता नहीं। ये एक बोनस हैक है, तो फेल हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको लगेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स, यही लगेगा, और पिस्टन लगेगा, नहीं पिस्टन नहीं, फ्लिंट एंड स्टील चाहिए शायद से। फ्लिंट एंड स्टील चाहिए, आप चाहिएगा ट्रैप डोर, ट्रैप डोर कोई भी आप लोग ले सकते हो। हमको कुछ को इसको ऐसे नहीं, नहीं रुक जाओ, हाँ कुछ ऐसे लगाना है, ऐसे 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 लेना है, फिर कुछ ऐसे ऐसे लेना है, और कुछ ऐसे ऐसे लेना है। तो भी हमको यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड लगाना है, और उस पे लगाना है, हाँ टूट रहा है। आई होप कि इसके जगह इसको लावा देना होता है, शायद से इसको लावा देना पड़ता। अबे मर, अबे क्या हो रहा है, क्यों मर रहा है तू तो? पता नहीं, अलग ही हिसाब किताब है इसका तो, है मार दिया फिर मर गया। पागल थोड़ी है, सही है ना? अरे नहीं 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 ऐसा कुछ। अबे यार हैक फेल, कोई नहीं हैक फेल बनता है, क्योंकि ये हैक कुछ मतलब इंटीग्रेटेड हैक नहीं था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरह, स्केलेटन गोलेम हैक जिसका नाम है, और ये हैक बनता है कुछ स्केलेटन और गोलेम के साथ। तो स्केलेटन और गोलेम को लाते हैं पहले इंट सेटअप करके, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हमारा हैक हो चुका है रेडी, कुछ ऐसा सा फोर का आपको ऊपर से ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर दो ब्लॉक का गैप देके एक स्लैब, फिर आपको एक आयरन गोलेम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर आपको कुछ इस तरह से नीचे से कुछ ऐसे एक दो तीन तीन ब्लॉक को छोड़ के, और यहाँ से भी तीन ब्लॉक को छोड़ के एक आयरन गोलेम का वो लगाना है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका फ़ोन लो मतलब लो काफ़ी ज़्यादा लो मेमोरी का है, और उतना हाई लेवल का गेम रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो प्लीज़ इस हैक को ट्राई मत करना, क्योंकि इसमें फ़ोन लैक हो सकता है, गेम क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा भी फ़ोन उतना कोई ख़ास नहीं है, इसीलिए मैं सेफ्टी के साथ कर रहा हूँ, और सेफ्टी में मैं यूज़ करूँगा TNT और Redstone, क्योंकि मैं इसको बाद में फोड़ दूँगा, और मैंने गलती से वो ले लिया, चलो कोई नहीं फिर से दे देंगे। तो इसको कुछ तरह लगाना है, पंपकिन को ऐसे कुछ लगा देना है, और तो अभी इसके लिए मैं इसको TNT से रिप्लेस कर दूंगा। अगर आपका फ़ोन हाई ग्राफिक्स में नहीं चल पाता तो आप मेरी तरह कुछ इस तरह से कर सकते हो, और मस्त लगता है देखने में। और इसको सोच रहा हूँ मैं घर के अंदर से शुरू मतलब कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ इसको, तो वही करते हैं। इसको ऐसे 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 ले आते हैं, और इसको कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं, और फिर इसको हम लोग वो कर देते हैं, ग्लास का बना देते हैं। तो गाइस हम लोग ने कुछ ऐसा घर बना लिया है, तो अभी चलते हैं और अभी मेन कर्मा करते हैं, कर्मा जो भी हो करते हैं। तो इसके लिए आपके फ़ोन को यहाँ पे आप लोग सेटिंग्स है कुछ स्प्लिट कंट्रोल्स कर लीजिए, और फिर इसको आप थोड़ा सा नीचे जाके TNT के बिल्कुल इस वाले ब्लॉक पे खड़े होके स्केलेटन का मतलब बहुत सारा मारना, और करते जाओ जितना देर तक गेम क्रैश नहीं होता है। मैं यहाँ पे खूब सारा स्पॉन कर देता हूँ, आई होप कि मेरा गेम क्रैश ना हो, नहीं बढ़िया तो रेंडर तो हो रहा है। जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया होगा, ध्यान रखना इस वाले ब्लॉक पे स्पीड कंट्रोल्स के साथ करना। मैं और काफ़ी सारा स्पॉन कर देता हूँ,
हाँ अब थोड़ा सा लैक लैक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये यह फोन लगा देता हूँ। अब देखो, अब तुम यहाँ से बस देखते जाओ भाई, लैक हो रहा, गंदा लैक हो रहा है, देखना अब क्या होता है। देखो गाइस कितना सारा तीर मार रहे वो एक ही बार में, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग सा हैक लगता है जो कि मस्त सा काम कर रहा है। और मस्त चल रहा है, मस्त हैक काम कर रहा है। तो बस यार बहुत सो गया आज के लिए, तो इसको दबा देते हैं इस वाले बटन को। अबे गंदी से गलत बटन दबा दिया, उड़ जा, बहुत गंदा लैग कर रहा है मेरा गेम, टूट ना जाए प्लीज। इसको दबा देते हैं भाई, बहुत गंदा लैग हो रहा है यहाँ पे। और चलो सब लैग ख़त्म हो गया, अब इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा ऐसा कर लेते हैं, लैग वैग ख़त्म कर देते हैं। तो बस ये था काफ़ी सारा लैग, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का लाइक है हम लोग लगते हैं 20 लाइक को, और 30 सब्सक्राइबर्स के हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके करवा दो। और करते रहो ऐसे ही, सब्सक्राइब करते रहो ऐसे ही, सपोर्ट दिखाते रहो, मैं भी ऐसा वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।